हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिज डायरीज। सो आज हम बनाने वाले हैं 3 ऐसे DIYs वैलेंटाइंस डे स्पेशल गिफ्ट्स, जो कि आप अपने फ्रेंड को, अपने लव को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनको ये गिफ्ट दे सकते हो। एंड आई एम श्योर योर लव्ड वंस विल लव इट। द बेस्ट पार्ट इज दैट ये गिफ्ट्स बनाने के लिए आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे एंड आप इजीली ये गिफ्ट्स घर पे बना सकते हो। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, सो डोंट वरी, आगे बहुत ही ब्यूटीफुल से वीडियोस प्लान्ड है। लेट मी गिव यू अ हिंट, सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दैट इज बालकनी मेकओवर। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अब से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं, आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले हमें कांच का जार लेंगे। ये हमारे पास इजीली किचन में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर का जो स्टिकर है वो मैंने निकाल दिया है एंड अभी इसको यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका जो सेंटर है वहाँ पे एक कोई भी बॉटल का कैप मैं यहाँ पे एकदम सेंटर पे फिक्स कर देने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लू गन। इसको हम यहाँ सेंटर पे एकदम से अच्छे से फिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही क्यूट सा कपल है, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ये डिटैचेबल भी है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं एंड फिक्स कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये गिरेगा नहीं। सो इसने बहुत ही अच्छे से इसको कैरी किया है। सो ये जो यहाँ पे फिक्स हो गया है, अब हम इससे कपल को यहाँ पे सेंटर में ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। एंड सी, ये अभी रेडी हो गया है। अब जो जार है उसमें हम कुछ स्प्रिंकल्स डालेंगे स्टार शेप के। एंड देन कुछ हार्ट शेप्स के। अब हम इसमें डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर। ये इजीली कोई भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ग्लिसरीन एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट जो नॉर्मल ग्लिटर होता है, सिल्वर कलर का ग्लिटर मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये भी इजीली स्टेशनरी शॉप्स पे अवेलेबल होता है। इसको बस थोड़ा सा डालना है एंड देन फिर से वापस अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड अब जो कपल को हमने इस जार के लिड पे लगाया था, उसको रिवर्स करके अच्छे से हम इसमें फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैं एक टेप ले रही हूँ, जो नॉर्मली हमारे घर पे सेलो टेप्स वगैरह होते हैं, उसका जो राउंड कार्डबोर्ड होता है वो कार्डबोर्ड हमें लेना है। एंड इसके ऊपर एक डबल टेप मैंने लगा दिया है। अब ये जो कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मैं हमारा जो पूरा ग्लास जार है उसको इसके ऊपर टाइटली फिक्स कर दूंगी। अब टेप का जो पेपर है वो निकाल देना है एंड उसके ऊपर गोल्डन कलर का सैटन रिबन लगा दे रही हूँ मैं। मेरे पास ये बहुत ही पुराना रिबन था जिसके ऊपर हार्ट शेप्स बने हुए थे, इसको मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। एंड टारा, तो सबसे पहले मैं ये एक पेपर ले रही हूँ ग्रे कलर का। ये कार्ड स्टॉक है। बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते हैं जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये थोड़े थिक रहते हैं एंड कार्ड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने मेरे स्टेशनरी हॉल में इसको दिखाया था। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट ये कलरफुल क्राफ्ट पेपर लिया है मैंने। लेफ्ट साइड पे एक थिक पट्टी इसका लगाने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से हम इसको कट कर देंगे। सो बेसिकली हम कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, बट जब आप खुद से कुछ गिफ्ट बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। ऑफ कोर्स जिसको मिलेगा उसको भी आपके एफर्ट्स ज़रूर दिखेंगे एंड आप बना रहे हो तो यू विल ऑल्सो फील प्राउड कि आपने इतना अच्छा गिफ्ट बनाया है। ये जो कलरफुल फ्लोरल पेपर है इसको मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया है। नेक्स्ट कम्स एक हार्ट शेप बनाना है, तो उसके लिए पहले मैंने एक पेपर पे हार्ट शेप ड्रॉ करके उसका कटआउट निकाल दिया है एंड नेक्स्ट उस शेप में हमें इसमें कट करना है।
नेक्स्ट, इस तरह के ट्रांसपेरेंट शीट हमारे पास घर पे होते ही है। कोई भी पैकेट आया, कुरियर आया, किसी में भी रैप अप होके इस तरह की शीट्स हमें बहुत ही आसानी से घर पे मिल जाते हैं। सो ये हमने अभी हार्ड शेप कट कर लिया है। अब हम ये जो ग्रीटिंग कार्ड है इसको ओपन करेंगे एंड उसके पीछे ये हार्ड शेप पे इसको फिक्स कर देंगे। प्लीज नोट कि वो हमारे जो पेपर पे हार्ड शेप है उससे थोड़ा बड़ा साइज में होना चाहिए। तो इनिशियली ये थोड़ा वाइट दिख रहा है क्योंकि ये अभी गीला है, बट ड्राई होने के बाद ये एकदम से अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, सी अब आप देख सकते हो ये पूरा सूख गया है। इसके ऊपर मैं कुछ ये हार्ट शेप के स्प्रिंकल स्टैंड लेने वाली हूँ। तो ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाता है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है। इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर से भी कुछ कुछ कट करके ऐसे हार्ट शेप या फिर छोटे छोटे राउंड्स कट करके इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट, एक वाइट पेपर से कटआउट कर लिया है मैंने हार्ट शेप का। ये जो सेट है इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मोस्टली मेरे प्लानर्स वगैरह लिखने के लिए यूज़ करती हूँ। इसका पेन का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो इससे मैं अभी ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये हार्ट बीट्स एंड ये हार्ट ड्रॉ कर देनी हूँ। एंड ये वाला जो पेपर है ये हमारे ट्रांसपेरेंट शीट से भी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये मेजर कवर करेगा सारा जो स्प्रिंकल्स है उसको। एंड देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको थोड़ा डिजाइन देके इसका जो लुक है इसको एनहांस कर देंगे। बस इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए तो इसको बस मैं टॉप और बॉटम में ये बॉर्डर दे दूंगी। नेक्स्ट, ये पर्ल ड्रॉप्स लिए हैं मैंने। ये बस वो हार्ट जो हमने बनाया है उसके पास एक 3D इफेक्ट देगा एंड टाडा, आवर कार्ड इज रेडी। So, क्या आप गेस कर पाए हम ये क्या बना रहे हैं? हम ये बना रहे हैं एक फ्रिज मैग्नेट जो कि एक वुडन स्लाइस से बनाने वाले हैं। सो ये सारे कलर्स को मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें ब्लेंड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस एंड टाइम लगता है बट होने के बाद ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो आप अपने हिसाब से कलर्स ब्लेंड कर सकते। लाइफ भी ऐसा ही कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी टेंशन, कभी स्ट्रेस, कभी बहुत सारा प्यार, कभी कुछ कुछ तकरार। तो ये सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैनवस हमारा रेडी हो जाता है। सो आई फील लाइक दीज आर कलर्स ऑफ लाइफ जिसमें सब कुछ है, बट एट द एंड जब आप सबको मिक्स करते हो सो यू गेट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट। अभी हमारा ये बैकग्राउंड रेडी हो गया है एंड नेक्स्ट पेंसिल से ही मैं एक कपल को ड्रॉ कर दे रही हूँ। एंड देन इसके ऊपर पहले मैंने एक पेन से ड्रॉ किया एंड देन इसको एक्रेलिक पेंट से इसको पूरा कलर कर दे रही हूँ। सो अब मैं सेंटर में एक मून बनाने वाली थी तो मैंने क्या किया, जो वाइट एक्रेलिक पेंट है वो लिया, एक जो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर होता है वो लिया घर पे, उसके पीछे मैंने वाइट पेंट से डिप करके इसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मून ड्रॉ कर लिया। सो बेसिकली कोई भी चीज़ हो, किसी से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके पीछे के साइड ये दो मैग्नेट जो मैंने रखे हैं इनको मैं ग्लू गन की हेल्प से पीछे स्टिक कर दूंगी एंड हमारा ये फ्रिज मैग्नेट रेडी है। इसमें से आप कुछ भी अगर ट्राई करते हो तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू सी योर क्रिएशंस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।